मनुष्य प्राणी जगत का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, लेकिन जब वह अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता है तो वह भी कभी कभी संशय में पड़ जाता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करें और क्या ना करें। जैसे कि एक योद्धा, वह चाहे कितना भी महान हो, कितना भी बलवान हो, युद्ध में एक ऐसा भी मोड़ आता है जब तलवार की मूठ पर उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है, धनुष के प्रत्यंचा कसते हुए उसके हाथ कपकपाने लगते हैं और परिस्थितियों के थपेरों के प्रहार से उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। यही हुआ था आज से 5000 साल पहले गांडीवधारी अर्जुन के साथ महाभारत के रण में, कुरुक्षेत्र में, जिसके संशय के निराकरण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को सुनाया था। एक अर्जुन हमारे और आपके भीतर भी है, जो तमाम क्षमताओं और प्रतिभाओं के बावजूद कभी कभी पीछे हट जाता है। नमस्कार, आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस। खुशी के इस पावन अवसर पर मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, संसार के समस्त गुरुजनों को प्रणाम करता हूं एवं उनके स्वस्थ, सुंदर एवं सुखी जीवन की कामना करता हूं। आज शिक्षक दिवस के पुण्य अवसर पर विश्व गुरु चाणक्य और चंद्रगुप्त का वो संवाद सुनाऊंगा जिसे हिंदी साहित्य के चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। इसके लिए मैं आपको लगभग 2300 साल पहले के भारतवर्ष के इतिहास के कालखंड में ले चलूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि गुरु चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त का वो संवाद जो कभी कभी हमारे डोलते हुए आत्मविश्वास को भी कई बार बल दिया है, मार्गदर्शन किया है और अपने उत्तरदायित्व निर्वहन के लिए प्रेरित भी किया है, और निसंदेह आपको भी उस कथा से संबल मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा और उत्तरदायित्व निर्वहन में सफलता की प्रेरणा भी मिलेगी। उस दिन राजा घनानंद के राजभवन में चाणक्य ने अपनी खुली हुई शिखा पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि जब तक मैं नंद वंश का सर्वनाश न कर दूं, तब तक ये मेरी शिखा काल सर्पनी की तरह खुली रहेगी। चाणक्य का यह क्रोध व्यक्तिगत नहीं था और घनानंद से उनकी कोई शत्रुता भी व्यक्तिगत नहीं थी। चाणक्य का मानना था कि जो राष्ट्र हित में नहीं है, राष्ट्र हित के विपरीत है, वह किसी का नहीं हो सकता है, वह सबका शत्रु है, चाहे वो कोई भी क्यों न हो। घनानंद ने राष्ट्रहित का अपमान किया था, वो राग रंग सूरा सुंदरियों में इतना डूब गया था कि भारतवर्ष के छाती पर गड़ती हुई विदेशी पताकाएं उसे दिखनी बंद हो गई थी। उसने उसकी चिंताएं छोड़ दी थी कि यह महान राष्ट्र भारतवर्ष प्राधीन हो गया तो क्या होगा। चाणक्य ने एक भारत अखंड भारत का जो स्वप्न देखा था और उस स्वप्न की पूर्ण आहुति नंद वंश को धधकती हुई चिता में हवन किए बिना संभव नहीं थी, और ये चिता प्रज्वलित करने के लिए जरूरत थी एक अग्निपुत्र की, एक अग्निवीर की, और चंद्रगुप्त वही अग्निपुत्र था, वही अग्निवीर था, जिसका शौर्य और पराक्रम चाणक्य ने बचपन में ही पहचान लिया था। चंद्रगुप्त एक योद्धा नहीं, चाणक्य की अखंड साधना का प्रतिफल था। चंद्रगुप्त सिर्फ एक मनुष्य नहीं, एक प्रयोजन था जिस पर चाणक्य ने अपना पूरा जीवन खर्च कर दिया था। लेकिन आज वही चंद्रगुप्त युद्ध से पीछे हट रहा था,
और इसका अर्थ था गुरु चाणक्य का सौगंध का टूटना, एक भारत अखंड भारत की अकाल मृत्यु। चंद्रगुप्त अपने गुरु चाणक्य के सामने तड़प उठा और बोला, गुरुदेव मुझसे अब युद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक जीते जागते मनुष्य के गले पर तलवार चलाते समय मेरे हाथ कांपने लगते हैं। अब मैं राज सत्ता के लिए निर्दोष लोगों की हत्या नहीं कर सकता, क्योंकि इतने खून खराबा के बाद जो मुझे सत्ता प्राप्त होगी वह सत्ता मुझे सुख चैन से रहने नहीं देगी। वैसी सत्ता की लालसा नहीं है मुझे आचार्य। ये छल कपट, ये पाखंड, ये अकारण मरने वाले राजाओं और राजकुमारों के परिवारों की चीखे और पुकार, ये सब मुझे असहनीय पीड़ा देते हैं। गुरुदेव, निरीह राजकुमारों की हत्या करते हुए मेरा हृदय कांप उठता है आचार्य। इस रक्त कांड के फल स्वरूप यदि पूर्ण पृथ्वी को भी मैंने प्राप्त कर लिया तो क्या करूंगा उस राज्य का। इस पाप परंपरा से यदि मैं चक्रवर्ती सम्राट बन भी गया तो ये सोचकर हमेशा नरक यात्रा से गुजरता रहूंगा कि मैंने सत्ता के लोभ में मानवता का संहार किया। उन विधवा रानियों का विलाप मेरे हृदय को सबसे ज्यादा पीड़ा देगा गुरुवर। उन राजपुत्रों के कटे फटे अंगों के ढेर मेरे सीने पर बोझ बनकर असहनीय दर्द देता रहेगा, और मैं इससे ज्यादा पीड़ा अब सहन नहीं कर सकता। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, अब मैं ये लड़ाई नहीं लड़ सकता, मुझे माफ कर दीजिए। चाणक्य बहुत देर तक मौन होकर सुनते रहे और फिर बोले, विषाद योग, तुम्हारे हृदय में अर्जुन का विषाद योग उत्पन्न हो गया है पुत्र चंद्रगुप्त। विषाद योग का मतलब होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है का संदेह ही विषाद योग कहलाता है। जैसे अर्जुन को महाभारत के युद्ध में हो गया था, जिसके निराकरण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश सुनाया था। चाणक्य बोले, चंद्रगुप्त तुम्हारा यह विषाद योग इस समय काशी और कौशल राज्य को जीतने के बाद, चंद्रगुप्त तुम्हारा यह विषाद योग असमय उत्पन्न हो रहा है। अच्छा होता तुम्हारे ज्ञान चक्षु युद्ध से पहले खुल गए होते। क्या ये तुम्हारी बुद्धिहीनता थी कि युद्ध से पहले युद्ध की भीषणता का ज्ञान नहीं था, या तुम्हारी राज लालसा ने वह ज्ञान होने ही नहीं दिया? अर्जुन के विषाद योग को काटने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, लेकिन मेरे पास न भगवान वासुदेव कृष्ण जैसा ज्ञान है, न सामर्थ्य, न वैसी शक्ति है, न वैसा धैर्य। तुम्हारे विषाद योग को काटने के लिए मैं विष्णुगुप्त चाणक्य तुम्हारा गर्दन काट दूंगा। चंद्रगुप्त, मुझे तुम्हारे जैसे कायरों और डरपोकों के साथ कार्य करने का अनुभव नहीं है और मेरी इच्छा भी नहीं है। चंद्रगुप्त, तुम्हें उन रानियों का विलाप पीड़ा देता है और उन असहाय स्त्रियों की पीड़ा तुम्हें दिखाई नहीं देती, जिनके पुरुषों को राजधर्म के नाम पर कटवा कर फेंक दिया इन स्वार्थी राजाओं ने। तुम्हें उन निर्धन लोगों की पीड़ा दिखाई नहीं देती, जिनके पास कर देने का धन नहीं था तो वे अपनी माताओं बहनों और बेटियों के बदन से उनके सौभाग्य के चिन्ह जैसे गाने तक उतार कर उन राजाओं के कोष भरने पड़े। वो फूल जैसी कन्याएं जो इन राजाओं की अंधी हवस की शिकार हो गई, उनके आंसुओं का दर्द तुझे दिखाई नहीं देता। चंद्रगुप्त, तुम्हें चक्रवर्ती बनाने के लिए जो मैंने यत्न किया है यह तुम्हारे और हमारे स्वार्थ के लिए नहीं है। चंद्रगुप्त, तुम और मैं दोनों उस परम पिता परमात्मा के यज्ञ में
मुट्ठी भर आहुति से अधिक और कुछ नहीं है। वो परमात्मा जो अपने असहाय बेटे बेटियों की रुदन क्रंदन से संतप्त है और सिर्फ एक बार उन्हें मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है। राजा होना सुखी होने का मार्ग नहीं है चंद्रगुप्त। स्मरण रहे, तुम्हारे राज्याभिषेक के बाद भी मुझे संदेह हुआ कि तुम अपनी लक्ष्य से भटक रहे हो, अपनी स्वार्थ साधना के लिए इन प्राणियों का दमन कर रहे हो। तो घनानंद के बाद मैं तुम्हारे सर्वनाश की प्रतिज्ञा लेने में थोड़ी भी देर नहीं करूंगा चंद्रगुप्त। आज मुझे तुम्हारी महानता की आवश्यकता है चंद्रगुप्त, तुम्हारी क्षुद्रता और कायरता की नहीं। यह थी चाणक्य और चंद्रगुप्त का उस संवाद, उस एक क्षण की कथा का अंश जब चंद्रगुप्त अपनी मार्ग से भटक गए थे। आज भी यदि हम और आप अपने मार्ग से भटक गए हैं, अपने कर्तव्य पथ से विमुख होते जा रहे हैं, राष्ट्र से ऊपर जाति और धर्म को मानने लगे हैं, पढ़ने और पढ़ाने के बदले राजनेताओं का चापलूसी करने लगे हैं, तो हमें संभल जाना चाहिए, क्योंकि इससे किसी का भला नहीं होने वाला, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, चाहे वह देश का हो या अपने व्यक्तित्व का या अपने आपसी प्रेम और सौहार्द का। ऐसी विषाद की घड़ी में हमें चाणक्य और चंद्रगुप्त का यह संवाद अवश्य सुनना चाहिए। आपने धैर्य के साथ मुझे सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद।